आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 29 रोज़ों के बाद अल्लाह ताला ने हमें खुशी ईद सईद के मौके पर, ईद उल फितर के मौके पर अता फरमाया, ईद अता फरमाई खुशियों की। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, का फजल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इत्तेबा है, हम लोग जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन यहाँ मुशीराबाद के मस्जिद एक मीनार, मस्जिद मेराज में जो है नमाज ईद उल फितर ठीक 8 बजे मुनक्किद थी। खतीब मस्जिद हाजा आली जनाब फसीउद्दीन नदवी साहब का रौनक अफरोज़ बयान रहा ईद के ताल्लुक से, और उन्होंने नमाज की इफादियत बयान की कि जिस तरीके से हमने रमज़ान मुबारक में जो है अल्लाह ताला की जो है खुशनुदी हासिल करने के लिए जिस तरीके से जस्तजू से रोज़े रखे, तरावी सुनी, कुरान पाक जो है पढ़ा और दुआएं की, नमाज़ों का अहतमाम किया, 5 वक्त तहज्जुद पढ़े, तो उन्होंने फरमाया कि ईद के बाद भी जो है हमारी ज़िंदगी में जो है इसी तरीके से ये अमल रहना चाहिए, नमाज़ों का ख़ास तौर से अहतमाम होना चाहिए। फ़राइज़ ख़ास तौर से फ़र्ज़ नमाज जो है अज़ान के साथ ही जो है हम मस्जिद का रुख करें, मर्द हज़रात नमाज वक्त पर पढ़ें, इसकी जो है इन्होंने ताकीद की। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सब को जो है रमज़ान वाली इबादत जो है करने की तौफीक अता फरमाए। ईद के बाद भी जो है 11 महीनों का जो हमारा नज़्म होना चाहिए, जिस तरीके से मौलाना ने बताया उसी तरीके से जो है इंशाअल्लाह हम जो है अपनी अपनी ज़िंदगियों में उसी तरीके से रहेंगे। आज से यानी शव्वाल की पहली तारीख है आज, इंशाअल्लाह सब जो है ईद के दिन से ही जो है ये अहद कर लेंगे जो है हम नमाज़ नहीं छोड़ेंगे, 5 वक्ता नमाजी जो है मस्जिद में जो है मर्द हज़रात अदा करेंगे। और मैं कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद जमील मेराज के, जिन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए। आप देख रहे थे मस्जिद जो है तंग दामनी का शिकवा पेश कर रही थी, मुसल्लियान की जो है काफ़ी तादाद थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के अलावा भी जो है बाहर शामियानों का अहतमाम किया गया कमेटी की जानिब से, ये बहुत अच्छा इकदाम है। और मुसल्लियान जो है 7 बजे, कोई तो जो है फजर के साथ ही जो है आना शुरू हो गया, उसके बाद 7 बजे से मौलाना आने से 1 घंटा पहले से ही जो है यहाँ पर काफ़ी मुसल्लियान जमा थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात जो है अच्छी लगी कि नमाज के लिए जो है ईद की नमाज़ छूट ना जाए, वक्त पर रहना, बल्कि लोग जो है 1-1 घंटा पहले आए। तो मौलाना वही बात से ताकीद कर रहे थे कि भाई फ़राइज़ में भी जो है रोज़ के 5 वक्त नमाज़ों में भी हम जो है इसी तरीके से डर, एक खौफ रहना चाहिए कि मेरी नमाज़ फौत ना हो जाए, अज़ान के साथ ही हम मस्जिद का रुख करें। तो हमें रमज़ान यही दर्ज देता है कि 1 महीने की जो हमारी ट्रेनिंग थी, वो 1 महीना जो है ट्रेनिंग करने के बाद 11 महीने हम उसी तरीके से जो है पेश आए जिस तरीके से रमज़ान में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और आज हमें ईद सईद अता फरमाए अल्लाह। तो आप सबको जो है मुशीराबाद के तमाम अहलिया ने मोहल्ला को मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो, और तमाम हैदराबाद ना सिर्फ बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, सारे आलम के मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक। وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين السلام عليكم।
देखिए।